चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई गाए जाए जलता जा। ईद मुबारक। ईद मुबारक माँ जी। ईद मुबारक शकीला। माँ जी खूबसूरत। हाँ थैंक यू माँ, आज तो तू भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। ईद मुबारक मेरी चांदी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बुलबुले बनाने वालों की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। महमूद साहब मेरी ईदी कहाँ है? पापा मेरी ईदी। जानू मेरी ईदी का है? शट अप नबील। जानू ईद के दिन तो शट अप ना बोलो ना यार। मैंने कौन सा अपने लिए ईदी मांगी है? मैंने तो सोने और चांदी के लिए ईदी मांगी है। तो खुद दे दो ना। बच्चो थोड़ा सा सब्र करो, जैसे कोई पड़ोसी ईद मिलने आएगा ना, मैं तुम दोनों को उससे ईद दिलवाऊंगा। कोई पड़ोसी आए ना जाए, मैं मुसा तो हम चले जाएंगे उससे मिलने। खाईसा। हाँ ये ठीक है पुत्र। चलो जानू अब जल्दी से मेरा मुँह मीठा कराओ। ना तू कौन सा अपनी बच्ची का रिश्ता पक्का करके आए जो तेरा मुँह मीठा कराए? अरे मोमू ईद का दिन है, दुनिया के घर मीठा बनता है, तुम लोगों ने कुछ नहीं बनाया? कैसे बनाते महमूद साहब, पूरी चांद रात मैं और माँ जी टेलर के सर पे खड़े रहे, अपने सूट सिलवारे थे, फजर पे सोए हैं। हद होती है काहली की जानू, इस घर में ईद वाले दिन भी कुछ नहीं मिलेगा खाने को। पापा मेरी ईदी। यार महमूद साहब ईदी कब देंगे? यार नबील ना बच्चों को देने के लिए ईदी है ना घर में खाने को कुछ है। महमूद साहब इसी दिन के लिए कहते हैं कि टैलेंटेड आदमी कभी भूखा नहीं मरता। वो जो कभी भूखा नहीं मरता वो टैलेंटेड आदमी होता है। जी मेरे पास दोनों मुश्किलों का हल है। वो क्या? अस्सलाम वालेकुम डूडी खान साहब, हॉलैंड वाले, ईद मुबारक। हमने सोचा कहीं आप लोग ये ना सोच रहे हो कि हमसाया जो है वो मुंह ही नहीं लगाते। ऐसा हरगिज नहीं है। आज हमने सोचा आपकी सारी शिकायतें दूर कर देते हैं। हम सारे घर वाले आपसे ईद मिलने आ रहे हैं। और प्लीज डूडी खान साहब आपने कहीं नहीं जाना। मुझे पता है आप हमसे नाराज हैं। नहीं नहीं वहाँ आप बाद में चले जाइएगा, ऐसा मौका बार बार थोड़ा मिलेगा भाई। नहीं नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ईद का दूसरा और तीसरा दिन जो होता है ना वो हमारा बहुत बिजी होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पड़ोसियों से आज ही मिल लेते हैं यार, फिर शिकवे शिकायत रह जाते हैं कि आप पाते नहीं है, वो पाते नहीं है। अरे आपको तो पता ना पड़ोसियों के कितने हकूक होते हैं। नहीं 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 कुछ नहीं बनाना आपने, जो घर में होगा हम वही खाएंगे, हम बिल्कुल तकल्लुफ के कायल ही नहीं है। अरे नहीं बाजार से कुछ नहीं मंगाना, आपको आपकी जान की कसम है। हाँ नहीं बस हम आ रहे हैं, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। ओके लाफेज़। माँ जी जानू आ जाओ। नबील वो बुला भी रहे हैं या हम जबरदस्ती जा रहे हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है महमूद साहब, हमने खाना खाना है, बच्चों को ईद दिलवानी और वापस आ जाना है। ओ माँ जी कहाँ रह गई है यार, आधे से पहले वो घर से निकल जाए यार। अचानक हम डूडी खान साहब के घर क्यों जा रहे हैं? जानू वो सुबह से 3-4 बार कॉल कर चुके हैं, बुरा लगता है, वो समझेंगे हम लोग प्राउड हैं। पड़ोसियों का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्यों मामू साहब? वो जो पड़ोसियों का नहीं दुखाना चाहिए वो दिल है। हाँ जी। अच्छा चलो जी, चलो 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 बच्चों 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 आ जाओ आज वो ईद मुबारक। अरे पापा। पापा जी हटे यार, मैं पहले बड़ी देर हो रही है। नबील मेरे पापा आए हैं यार। अरे भाई मैं तुम लोगों से ईद मिलने आया हूँ और तुम लोग बाहर जा रहे हो। पापा जी ईद मुबारक। ईद ईद मुबारक। कैसी है? अरे मेरी चांदी क्या है? अरे कुदू भाई ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अरे मोमो तुम तो रुको। अरे ईद मुबारक सोना। सदीकी साहब अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पड़ोसियों से ईदी लेने जानी है। और चलो भाई चलो। अरे मैं भी तुम लोगों को ईदी देने आया हूँ। अरे पापा जी तो फिर आप बाहर क्यों खड़े हैं यार इतनी गर्मी में? चले अंदर चले चले अंदर चलो चलो अभी बाहर नहीं चलते। आज वो पापा को सांस तो ले
रहने दो यार। वो जानू कौन सा जहाज में खड़े होके आए हैं यार। अरे भाई मैं पहले ईद ही दूंगा फिर आराम से बैठूंगा। अब वो जो आप पहले देंगे वो ईद ही होगी। हाँ वो भी दिल खोल के, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश क्यों हैं पापा? और दफा करना, ये पूछ के ईदी कितनी देंगे। भैया आज मैं तुम सबको 5,000-5,000 रुपए ईदी दूंगा। पापा जी लगता है आप तो खुशी से पागल ही हो गए। अरे कोई बात नहीं बेटा, आज मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगेगा। चल मोटे ईदी निकाल। ये मेरी सोना, ये आपके लिए। महमूद साहब ये आपके लिए, ये आपके लिए। थैंक यू। और नबील ये तुम्हारे लिए। ओ पापा जी आई लव यू पापा जी। ठीक है, काय की टोपी ठीक है बिल्कुल। खूबसूरत बेटा ये तुम्हारे लिए। थैंक यू पापा। नबील मेरे ख्याल में पड़ोस वाला प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, ईदी तो मिल गई। ओ बस कर दे, मैं मूसा मुफ्त का नाश्ता मिल रहा है। पापा जी आप रेस्ट करें, जब तक हम अपने हमसायों से मिलकर आते हैं। कैसी बात कर रहे हो नबील, पापा आए और हम चले जाएं? वो जानू कैसी बातें कर रही हो, सुबह से कॉले कर रहे हैं, नाश्ते पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। पड़ोसियों का दिल दुखाना बुरी बात है क्यों पापा जी? हाँ भाई बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, वैसे भी मैं ईद के तीनों दिन यही हूँ, तुम लोग मिलके आ जाओ, इतने में मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ठीक है पापा जी, जो भी जो, जो भी जो। पैसे जेब में डालो, पैसे जेब में डालो, पैसे जेब में डालो। ओके पापा जी, चले बाकी ईद भर में आके लेता हूँ पापा जी, अपना ख्याल रखिएगा पापा जी। आज वो, आज वो, आज वो, आज वो। अरे शेर खान तू, तू कैसे आ गया? ओ यार ये बातें तो होता रहेगा यार, पहले यार आम से ही तो मिलो ना यार। मिलो यार। मुबारक मुबारक। ओ यार खान है, ये मुबारक है यार, मुबारक यार। मुझको एक बात तो बताओ, ये ईद के दिन तुम लोग किधर जा रहे हैं? भजन पड़ोस में किसी की फौजी हो गई थी, वहाँ जा रहे हैं। माँ जी। हाँ पुत्र, मैंने तुझे बताया नहीं वरना तुझे बड़ा सदमा लग जाना था। सब्र कर मेरी बच्ची, सब्र कर। ओए 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 यार, ईद का दिन मौत हो गया यार। ईद का दिन तो बहुत ही खुशी का दिन होता है यार। वैसे हम एक बात बताएं, हम भी आपके लिए एक बहुत खुशी का खबर लाया था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग होकर आ जाओ तो फिर हम बाद में बात करें। शेर खान एक्चुअली हम सब जा रहे हैं ना, तो घर लॉक करके जाएंगे, घर में होगा कोई नहीं। और यार कैसे बात करते हैं, हमारे होते हुए घर में ताला माला लगाने की क्या जरूरत है? वही पठान तो चौकीदारी में बहुत मशहूर होता है ना। और तुम बेफिक्र हो जाओ, हम घर का पूरा ख्याल रखेगा। और यार नबील चलो भी आप, मुझे तो ये ईद भी खराब होती नजर आ रही है। आपको जो खराब होती हुई नजर आ रही है वो ये ईद है? हाँ जी। अच्छा जी, आज शेर खान आप जाए, ध्यान रखना। आज वो चलो। दोस्त के घर में चोरी करते है, वो कितना मोटा है यार तुम। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो यार हम तुमको नहीं छोड़ेगा, और ये बताओ कि तुम चोरी करके वक्त कैसे होएगा? अरे मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। वह सब चोर ऐसी बोलते है, तुम्हारा जैसी का तैसी। वैसे सीधे होके बैठ जाओ, अभी हमने तुमको काबू कर लिया है, अभी जरा हमारा दोस्त को आने दो, फिर हम तुमको पुलिस के हवाले करेगा। कोई मुझे बचा, मेरा दम घुट रहा है। ऐसे बकवास नहीं करो, वैसे भी तुमको ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारे ऊपर कोई मक्खी बैठे हुए। छोड़ो मुझे, और छोड़ो मुझे। यार बात सुनो यार, तुम तो बहुत नरम आराम है यार। अरे बचाओ मुझको, अरे बचाओ मुझको। नबील, अगर डूडी खान साहब ने खुद फोन करके बुलाया था तो वो कहाँ चले गए? जवाब दो, घर पे ताला क्यों लगा था? ओ जानू मैं क्या जवाब दूँ यार, ये तो डूडी खान ने घटियापन किया है ना। मुझे लगता है उन्होंने नहीं, घटियापन तुमने किया। मैंने कैसे कर दिया? हाँ मुझे लगता है उन्होंने हमें नहीं बुलाया था और तुम जानबूझ के लेके गए उनके घर। मैंने खूबसूरत को कुछ नहीं बताया। हाँ पुत्र,
वो तेरी बीवी है, तुझे अच्छी तरह जानती है। मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी नबील, पापा को घर पे अकेला छोड़ के गई हूँ, बोर हो रहे होंगे। अरे कोई है, बचाओ मुझको। बच्चों तुम लोग खेलोगे लॉन में, आओ देखे क्या हुआ। पापा जी पापा को कुत्ते मारी पड़ गए। क्या हुआ? देखो तुमने एक पठान पे भरोसा किया, हमने तुमको चोर पकड़ के दिया, लेकिन यार ये कितना मोटा चोर है, इसमें से कम चार चोर निकलेगा। ओ शेर खान, ये चोर नहीं है भाई। तो फिर कौन है? मेरे पापा हैं। ये पापा नहीं है, ये डबर रोटी है, वो भी लार्ज वाला। आप फजूल बातें मत करें, उतरे प्लीज, मेरे पापा हैं। यार हमारे कुएं से बहुत मजा आ रहा है, तुम इस आदमी का सोफा क्यों नहीं बनाते यार? अरे शेर खान ये तू क्या कर रहा है? इधर आ मेरे पास, इधर आ मेरे साथ। यार हम गुफा फंसी, तुम मिलने दो यार। चलो यहाँ से दफा हो। नबीब ये तुमने ईद पर किसको घर पे बुला लिया? ओ बाबा जी हमने नहीं बुलाया, ये खुद ही आया है। अरे लेकर जाओ इसको यहाँ से, निकालो घर से इसको। और ये किसकी जरूरत है कि शेर खान को इस घर से निकाले? ओ यार शेर खान तू इधर आ मेरे साथ। अरे तू चल ना यार। पापा जी फ्रेश हो आप, जा के पापा जी। ओ पापा जी ये भी लेके जाए यार, चले। ओ ये तो है पापा, आप ईद वाले दिन बगैर बताए आ गए हैं, वो भी बेताब के बगैर। झगड़ा तो नहीं हुआ आप दोनों का? अरे मत पूछ मेरा बच्चा। नहीं पापा, हुआ क्या है? अरे बेटा मैं बेताब से तंग आ गया हूँ। आप या वो? हाँ वो भी। खूबसूरत मुझे तो लगता है बेताब के साथ मेरा शादी का फैसला ही गलत था, वो मेरे साथ खुश नहीं है और ना मैं। तो मैंने फैसला किया है मैं तीसरी शादी कर लूँ। क्या? हाँ बेटा, मैं ये पहाड़ जैसी जिंदगी बगैर मोहब्बत के नहीं गुजार सकता। पापा बस कर दें, आपकी 6 साल की नवासी और आपको शादी की पड़ी है। क्यों? मेरा दिल नहीं है? मैं इंसान नहीं हूँ। नहीं वो बात नहीं है, लेकिन मैं नबील वगैरह को क्या बोलूँगी? अरे लानत भेजो उन पर, मुझे उनकी परवाह नहीं है। मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये देखो। पापा ये तो बहुत छोटी लग रही है। अरे नहीं नहीं, ये सिर्फ 25 साल की है। क्या को माने पापा, ये तो मुझसे भी छोटी है यार। नहीं बेटा, मोहब्बत में उम्र नहीं देखी जाती। जब से मुझे मैरिज ब्यूरो वालों ने ये तस्वीर भेजी है ना, मैं इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ। ना तेरा बाप इसे पहले पालेगा क्या? ओ माँ जी मुझे दिखाए यार, ओ तेरी खैर हो जाए। ओ जानो तुम्हारा बाप कितना जालिम आदमी है, इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ जचती है। शट अप नबील, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि पापा ये क्यों कर रहे हैं। ओ तेरा बाप ना सिठी आ गया है, इस उम्र में उसे हज करना चाहिए, वो शादियां करता फिर रहा है। ओ जानू पूरे खानदान पे थूथू होगी हम पे। पता है मुझे यार, लेकिन पापा इस लड़की की मोहब्बत में पागल हो गए हैं, मेरी एक नहीं सुन रहे। यार महमूद साहब कहाँ हैं? उन्हें कहते हैं वो समझाएं पापा जी को। ये तू कैसी बातें कर रहा है शेर खान? और यार देखो, हमने जितना भी शादी किया वो हमको दगा दे के चला गया, इसलिए कि हमने उस इलाके में शादी किया था। फिर हमने सोचा है कि हम शहर वाला लड़के से शादी बनाएंगे। इतना आसान नहीं है शेर खान लड़की मिलना। वो लड़की तो हमको मिल गया महमूद। क्या? हाँ हमको लड़की मिल गया है, बहुत ही खूबसूरत है और पुपट है। हम देखो उसका तस्वीर भी लेकर आया, ये देखो। दिखा। अरे कुछ खुदा का खौफ कर यार शेर खान, इस लड़की की उम्र तो तुम्हारी बेटियों जितनी है। यार क्या बात करते है, हमारा तो कोई बेटी बेटी नहीं है। तुझे ये लड़कियाँ मिल कहाँ से जाती हैं? यार वो हम तो एक शादी का दफ्तर में गया था, उन्होंने हमारे को ये तस्वीर दिखाया, तो जब हमने इस लड़की को देखा तो हम समझ गया कि ये सिर्फ हमारे लिए बना है, ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट है। तो तू यहाँ क्यों आया है? तो तुम्हारे फैमिली के अलावा हमारे शादी का बात कौन करेगा? क्या? हाँ इधर हम शादी मनाएगा, ईद का खुशी को दुबारा करेगा और पैसे को पानी की तरह बहाएगा और तुम लोगों को भी पैसा देगा। बस यार तुम हमारा इस लड़की से शादी करा दो, इस लड़की के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकता, इस लड़की के खातिर हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। महमूद साहब ओ यार बात तो सुने। हाँ आ रहा हूँ नबील, आ रहा हूँ, मैं अभी आया। किधर जाते? ये तस्वीर तो हम कहिए, हम इसके बगैर रह भी नहीं सकते, एक मिनट नहीं रह सकते। अच्छा अच्छा
ओए बुलबुल पर तुम किधर उड़ गए यार? क्या हुआ है नबील, तुम लोग मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? ओ यार मामू साहब, इधर पापा जी ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। कैसा ड्रामा? वो मोटा सांड ना तीसरी शादी कर रहा है। क्या वो भी? वो भी का क्या मतलब है? आप भी क्या दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं? अरे मेरी ऐसी किस्मत का? अरे लड़की अंधी है क्या नबील? ओ नहीं मैं मूसा, लड़की तो बड़ी टाइट है यार। नबील मेरा मतलब है बहुत ही प्यारी लड़की है ये देखे। अरे ये तो वही लड़की है। कौन लड़की? आप जानते हैं इसे? इसका नंबर दे जल्दी से प्लीज। अरे ये तो वही लड़की है जिससे शेर खान शादी करना चाह रहा है। क्या? अरे हाँ, मुझे अभी अभी शेर खान ने इसी लड़की की यही तस्वीर दिखाई है। ये कैसे हो सकता है यार? जानू मेरा ख्याल है पापा जी और शेर खान को ना एक ही शादी दफ्तर वाले बेवकूफ बना रहे हैं। यार पापा तो इस लड़की के प्यार में पागल हो रहे हैं। अरे शेर खान तो इस लड़की के लिए मरने मारने को तैयार है। मुबारक हो जानू, मुझे अपनी ये ईद भी खराब होती हुई नजर आ रही है। आ नहीं रही बल्कि खराब हो चुकी है। इसका मतलब है कि शेर खान और पापा को एक ही लड़की से मोहब्बत हो गई। हाँ। उशे। बहुत बड़ा वो हो गया पतन। वो क्या माँ जी? वो जो मुझसे अक्सर हो जाते हैं। तुमसे क्या अक्सर हो जाता है मोमो? ओ माँ जी से तो बहुत कुछ हो जाता है यार, छोड़े इनको। ये जो भंड हुआ ना इसका सोचें। हाँ 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 भंड, ये तो बहुत बड़ा भंड हो गया। नबील ये दोनों हमें मरवाएंगे। हाँ महमूद साहब, एक हमारी जान ले सकता है और दूसरा हमारा माल। इस तरह बैठने से कुछ नहीं होगा नबील, कुछ तो करो। अरे भाई नबील क्या कर सकता है? महमूद साहब वैसे मैं एक काम कर सकता हूँ। वो क्या? महमूद साहब मैं पापा जी और शेर खान की जंग रुकवाने के लिए इस लड़की से शादी कर सकता हूँ। शट अप नबील। वो जानू इसके अलावा और कौन सा रास्ता है यार? एक है। वो क्या? भाई हमें पापा और शेर खान को इस लड़की से बदजन कराना होगा। वो कैसे? भाई हमें पापा और शेर खान को अलग अलग जाके ये समझाना होगा कि ये लड़की शादी के लायक नहीं है। क्या? हाँ अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है नबील। पापा हमने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा। मैंने और नबील ने ना उस लड़की के बारे में पता करवाया। वो किससे पता करवाया? वो उस मोहल्ले में ना हमने छानबीन करवाई है। तो फिर क्या पता चला? पापा जी ये लड़की आपके काबिल नहीं है। वो क्यों भाई? पापा जी हमने चेक करवाया है, इसका बहुत सारे लड़कों के साथ चक्कर है। अरे ये लड़की नहीं होगी, वो कोई और होगी। यारे महमूद मुझको ये बताओ, शिकल से ये लड़की ऐसा लगता है? तुम अपने ईमान से बताओ कि अगर शादी के लिए तुमको ये लड़की मिलेगा तो तुम इनकार करेगा? बिल्कुल नहीं पापा जी। नबील बस मैं इसी से शादी करूंगा। क्या? बस महमूद शादी तो हम इसी से करेगा, ये तो फाइनल है। लेकिन अगर हमारी शादी इससे नहीं हुई तो मैं अपना जान भी दे देगा और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उशु उशु। यार अल्लाह खैर करे महमूद साहब। यार यार नबील, अरे तुम लोग सब यहाँ बाहर बैठे हुए मेरी शादी की तैयारियां नहीं करनी? तुम भी शादी कर रहे हैं? हाँ मैं भी शादी कर रहा हूँ। वो यार मुबारक हो, हम भी शादी कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि इस घर में ईद का डबल खुशी होएगा। तुम भी शादी कर रहे हैं और हम भी शादी कर रहे हैं। लेकिन मेरी बीवी ज्यादा खूबसूरत है। तुमने हमारा बीवी को देखा नहीं है? उसके आगे तो चांद भी काला पड़ जाता है। महमूद साहब मुझे लग रहा है कोई भंड होने वाला है भाई। होने दो यार नबील, दोनों खुद ही निपट लेंगे। आओ शेर खान ऐसी बातें नहीं करो, ये देखो तुम्हारा होने वाला भाभी। ये हमारा पोतू तुम्हारे पास कैसे आया? अरे ये मेरी बेगम की तस्वीर है। ओए खबीस का बच्चा, ये हमारा होने वाला बीवी है। शेर खान ये मेरी होने वाली बीवी है। ओए तुमने शेर खान का मोहब्बत पे डाका मारा है, हम तुमको गोली मारेंगे। अरे क्या कर रहे हैं आप शेर खान? ओ शेर खान गन नीचे करे यार। अगर हमारा और इसके बीच में कोई आया तो हम उसको भी गोली मार देगा। अच्छा मैं आपसे ये कह रहा था एक्चुअली दरअसल। अरे ऐसे कैसे मार देगा? तेरो अभी तुमको पता चलता है। ओ क्या कर रहे हो?
क्या हो रहा है ये? साहब थैंक गॉड आप आ गए। और मैं यहाँ तुम लोगों से ईद मिलने आया हूँ और तुम लोगों ने यहाँ कत्लोगारत मचाई हुई है। और यार बड़ साहब इन दोनों को देखें यार, एक लड़की के पीछे एक दूसरे को मारने पे तुल गए हैं यार। और क्या छिछोर पर लगाया हुआ तुम लोगों ने, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ईद के दिन तो दुश्मन को भी गले लगाते हैं और तुम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो। ओए हम तुमकी जान से मार देगा। अबे क्या, ओए ये झगड़ा बंद करो, मैं तुम लोगों को भाभी से मिलवाने लाया हूँ। अवश्य अवश्य। तो बरसा भाभी है कहाँ? अभी मिलवा देता हूँ। चलो मोटे बैठते हो, उधरो खान आ जाओ आज वो भाभी जी आज वो सबको ईद मुबारक कहो। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये तो तुम्हारा भाभी है। ये तुम्हारा भाभी है। और चुप करो, ये तुम दोनों की भाभी है। लाजी फिर। मैं तो घर छोड़ के आ गया हूँ। क्या क्या? अब मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगा। भाई खूबसूरत के पापा ने ये घर हमारे रहने के लिए दिया है, ये थोड़ा है कि हर कोई ऐरा गैरा नथु खैरा मुंह उठा के चला है। बट सब चोरों और डाकुओं से पूछगछ हमारे घर में कर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो खूबसूरत, मैं और महमूद साहब अभी भट्ट साहब को धक्के मार के यहाँ से निकालते हैं। तो ये नट का बच्चा जाएगा कैसे? भाई हम तो भट्ट साहब को जाने का नहीं बोल सकते। भाई उन्हें नहीं बोल सकते तो उनकी बीवियों को तो फोन करके कह सकते हो ना कि उनको ले जाए आके। भाभी सिर्फ आपको ये बताना था कि भट्ट साहब हमारे घर पे है। देखिए ना भाभी, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती है। तो क्या हुआ भट्ट साहब, कुछ भूल गए आपको? नहीं यार। तो वापस क्या शक्कर लेने आए आप? और इस बात को छोड़ो, ये बताओ कि मेरी दोनों बीवियों को यहाँ किसने बुलाया? बस बंद करो, भट्ट साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं। तुम बकवास बंद करो, भट्ट साहब सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो भट्ट साहब आप तो पापोश के अमिताभ बच्चन चल रहे हैं यार। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई